हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस बेस्ट गार्ड डॉग की सीरीज में आज हम जिस डॉग ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट डॉग ब्रीड्स इन द वर्ल्ड एंड दैट इज सेंट बर्नार्ड। सेंट बर्नार्ड के बारे में बात करेंगे कि अगर उसको एज अ गार्ड डॉग रखा जाए तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस सेंट बर्नार्ड की बात करें तो इस डॉग ब्रीड को जेंटल जाइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये डॉग ब्रीड वर्ल्ड के सबसे ह्यूज डॉग ब्रीड्स की लिस्ट में भी आती है। दे आर वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट डॉग ब्रीड्स इन द वर्ल्ड। ग्रेट डेन के बाद सेंट बर्नार्ड की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा होती है और ग्रेट डेन से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी डॉग ब्रीड सेंट बर्नार्ड को कहा जाता है। ये डॉग ब्रीड एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है जिसकी एवरेज हाइट 2.5 फुट से 2 फुट तक हो सकती है और इस डॉग ब्रीड का जो वेट है वो 100 किलो तक भी जा सकता है। इस डॉग ब्रीड को रखना स्पेशली इन इंडिया एंड पाकिस्तान बहुत मुश्किल होता है। उसका रीज़न ये है सेंट बर्नार्ड बर्फानी इलाकों की डॉग ब्रीड्स है और ये वहाँ पे ही इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। इनको ठंड में रहना बहुत पसंद होता है। वेयर एज इंडिया पाकिस्तान में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जिन लोगों का बजट कम होता है वो इस डॉग ब्रीड को टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं दे पाते, जिसकी वजह से सेंट बर्नार्ड को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है और गर्मियों के अंदर इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। अगर आपने ये डॉग ब्रीड अपने घर में रखनी है तो सेंट बर्नार्ड को आपको टेम्परेचर मेंटेन करके देना सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि यार मेरे पास बड़ी जगह है, मेरे पास बजट भी है, हर चीज़ है तो मैं इसको रख सकता हूँ, यस ऑब्वियसली आप इसको रख सकते हो। लेकिन अगर आप इसको टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं दे सकते, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर आपको इस डॉग ब्रीड को एयर कंडीशन में रखना पड़ेगा, और अगर आपके पास ये बजट है तो ही आप इस डॉग ब्रीड को ईजिली अपने साथ रख सकते हो। सो गाइस अब बात करते हैं क्या सेंट बर्नार्ड बहुत अच्छे गार्ड डॉग होते हैं। तो माय आंसर इज नो, सेंट बर्नार्ड बिल्कुल भी अच्छे गार्ड डॉग नहीं होते। अगर आपके घर में कोई स्ट्रेंजर या कोई ऐसा बंदा आ गया है जो आपको हार्म कर सकता है तो सेंट बर्नार्ड उस पर अटैक करने के या उसको कुछ भी बोलने के बजाय सेंट बर्नार्ड उसके साथ खेलना शुरू हो जाएगा। इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है, ये बहुत काम होते हैं, इसी वजह से इस डॉग ब्रीड को जेंटल जायंट्स के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइज मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सेंट बर्नार्ड अच्छे गार्ड डॉग नहीं होते। कुछ लोगों ने अपने सेंट बर्नार्ड्स को ऐसा ट्रेन किया होता है कि वो अच्छे वॉच डॉग बन जाते हैं और उनके घर में जब भी कोई आता है तो वो डॉग ब्रीड भौंक के उनको अलर्ट करती है कि आपके घर में कोई चीज़ ऐसी आ रही है जो आपको हार्म कर सकती है। उसके अलावा सेंट बर्नार्ड से आप कोई भी काम नहीं ले सकते। गाइज अगर आपने ये डॉग ब्रीड रखनी है तो सबसे पहली चीज़ आपके पास जगह होनी चाहिए, आपके पास अच्छा बजट होना चाहिए, तो आप इजीली सेंट बर्नार्ड को अपने साथ रख सकते हो अगर आप उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो तो। सो गाइज उसके अलावा आपको इस डॉग ब्रीड को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ये अकेला रहना भी पसंद करते हैं और इजीली अकेले रह लेते हैं। सो गाइज यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।